Hello players, I am Poonam Yadav, co-founder of Avid Archery Club. देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम. राइट, ये एक ऐसा प्रोग्राम पर्टिकुलरली किसी भी गेम को ऑप्ट करते हैं तो उनको कौन कौन से मेन बेसिक चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखने चाहिए पेरेंट्स के लिए, कोचेस के लिए, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स चलाई हैं जिससे गेम का बहुत डेवलपमेंट हो रहा है. लाइक खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, बहुत सारी स्कीम्स हैं और भी बहुत मोटिवेशन है इन टर्म्स ऑफ प्राइज मनी एंड जॉब, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को ये खुद इस गेम में आना चाहते हैं, किसी भी गेम में जो भी ज्वाइन करते हैं. तो अभी एक स्टडी के अकॉर्डिंग आउट ऑफ 10 7 ऐसे प्लेयर्स हैं जो अंडर 14 के बच्चे हैं, 7 हमारी कंट्री के अंदर एटलीस्ट फॉर द 3 डेज अ वीक कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं. और ये बहुत अच्छी चीज़ है. राइट, कि हमारे गेम स्पोर्ट्स जो एक फिजिकल फिटनेस के लिए भी आप देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म किसी गेम को ऑप्ट करके उसमें कुछ अच्छा करने या कंट्री को रिप्रेजेंट करने जैसी चीज़ें तक आप जा सकते हैं. राइट, तो इसकी जब आप स्पोर्ट्स में जाते हैं और आपके माइंड में कुछ होता है, लाइक जो भी कोई प्लेयर स्पोर्ट्स ज्वाइन करता है तो वो पहले से ही एक एम होना चाहिए कि क्या वो स्पोर्ट्स में, जो भी स्पोर्ट्स वो जा रहा है वो फिटनेस के लिए जा रहा है या फिर उसको आगे लॉन्ग टर्म गोल भी है. अगर कुछ लॉन्ग टर्म गोल हैं, आई सजेस्ट कि लॉन्ग टर्म गोल के लिए ही सभी स्पोर्ट्स करें. एक एम मिलता है बच्चों के लिए तो स्पेशली आई सजेस्ट कि लॉन्ग टर्म ही जाएं किसी भी स्पोर्ट्स में जिसमें भी बच्चे का मन करता है. लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग फिटनेस के लिए, लाइफ लॉन्ग गेम को लेके चलें. राइट, तो उसके लिए सबसे जो पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट, द फर्स्ट वन इज़ कि आपको हर प्लेयर को एक यूनिक तरीके से हैंडल करना है. लाइक कि कोई भी बच्चा सेम नहीं है, कोई भी जैसे हर किसी के फिजिकल लेवल डिफरेंट है, तो जिसका जैसा फिजिकल लेवल है उसका उसके अकॉर्डिंग ही उसको ट्रेनिंग मिलना चाहिए, मतलब एक कोई स्टैंडर्ड. और अगर बच्चों का सेम हेल्थ में, हाइट में, एज में सेम है फिर भी उनका फिजिकल और मेंटल लेवल डिफरेंट होता है तो उनके अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को पूरा स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है. राइट, और सेकंड जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ कि बच्चे की फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उसके मेंटल हेल्थ पे भी उतना ही फोकस करना है. राइट, बच्चे को चाहे वो 12-13 साल का है, उसका पूरा उसके जो मेंटली वो बताता है कि आई एम टायर्ड, अब नहीं कर सकता ट्रेनिंग, या मुझे कल करनी है ट्रेनिंग, या फिर मेरे को उसको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आप उसको जज कीजिए, अच्छे से आप उस पर ध्यान रखिए कि वो कब उसकी परफॉर्मेंस, उसका मेंटल लेवल अप है. जैसे बच्चा कोई कंपटीशन में होके आता है और उसको अगर उसके मेडल्स आए हैं तो उसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है, लाइक कि मुझे बहुत प्रैक्टिस करना है या वो और प्रैक्टिस करता है. राइट, और अगर उसका किसी भी रीज़न से, एग्ज़ाम से या किसी और मेंटल या फैमिली इश्यूज़ के कारण अगर वो किसी भी तरीके से वो और इन्फ्लुएंस में है तो वो ट्रेनिंग बहुत कम करता है. तो हमें ना तो बच्चे को ओवर ट्रेनिंग की तरफ ले जाना है और ना ही अंडर ट्रेनिंग में रखना है. राइट, एक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग रूल फॉलो होगा जिसके अंदर बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस करेगा. स्टैंडर्ड ट्रेनिंग रूल मतलब डेज शुड बी फिक्स्ड. जैसे हम आर्चरी में हैं तो आर्चरी इज़ लाइक कि अगर बच्चा इनिशियली 2 घंटे प्रैक्टिस कर सकता है, अगर उसकी स्ट्रेंथ 2 आवर्स की है तो वो 2 आवर्स ही करे. राइट, ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करना है, 2 आवर्स, फिर 2.5 आवर्स, देन 3 आवर्स, इस तरीके से. या फिर आप नंबर ऑफ एरोज से ले सकते हैं. अगर एक बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ है, वो कंफर्टेबली 100 एरोज शूट कर सकता है तो उसको 100 एरोज शूट करना है. वीक वाइज वो अपनी स्ट्रेंथ को या अपने स्टेमिना को इंक्रीज कर सकता है लाइक 10%. इस बार अगर इस वीक वो 100 कर रहा है, नेक्स्ट वीक का टारगेट वो 110 रख सकता है अगर एवरीथिंग गोज वेल. ठीक है, और परफॉर्मेंस में भी ये चीज़ें देखनी है कि आपको कब परफॉर्मेंस अप रखनी है और कब डाउन करनी है. राइट, लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आप इतना कर सकते हैं तो आपको थोड़ा इतना करना है सो दैट कि आपका स्टेमिना उसके थोड़ा सा ऊपर आ जाए. इट्स नॉट लाइक कि अगर आप इतना कर सकते हैं और आप इतना करने की ट्राई कर रहे हैं तो वो फिर
ओवर ट्रेनिंग में चला जाता है. अगर आप इतना कर रहे हैं तो आपका स्टेमिना थोड़ा इम्प्रूव होगा और आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, राइट. तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है. और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब आपके ट्रेनिंग, जब आपका कॉम्पिटिशन है तो उससे कितना पहले आपको ट्रेनिंग करना है. जैसे एकदम ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिशन, अगर मंडे को कॉम्पिटिशन है आप सारा संडे सैटरडे आप मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्राउंड पे है, इट्स नॉट गुड डिसीजन, राइट. तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले से ही एक वीक पहले आप ओवर मतलब एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर सकते हैं एक वीक पहले. लेकिन जैसे ही कॉम्पिटिशन आए उससे एक दिन दो दिन पहले रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स दो, माइंड को रिलैक्स दो, एक हेल्दी डाइट लो और कॉम्पिटिशन के लिए मेंटली खुद को प्रिपेयर करो. दैट इज विल बी अ गुड, राइट. और नेक्स्ट थिंग आई विल सजेस्ट कि फंडामेंटल ट्रेनिंग सिर्फ अंडर 10 तक के बच्चों के लिए आप रखिए, राइट. जब भी बच्चा ज्वाइन करता है तो जो 6, 7, 8, 9 साल तक के बच्चे जब गेम को ज्वाइन करते हैं तो रेदर देन आप एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पे ना जाके उसकी पहले फंडामेंटल ट्रेनिंग होनी चाहिए. फंडामेंटल ट्रेनिंग जिस भी वो गेम में है उसके अकॉर्डिंग होता है. लाइक अगर हमें आर्चरी में बच्चे की स्टेबिलिटी चाहिए तो हम बच्चे की या अपर बॉडी स्ट्रेंथ चाहिए तो पहले हम वर्क करेंगे उसकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ पे और स्टेबिलिटी पे. और फिर उसके बाद जैसे किसी भी गेम में एजिलिटी चाहिए या फिर किसी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो पहले उसका फंडामेंटल बेस तैयार हो. जैसे बेस तैयार हो गया फिर आपके आप उसको स्पेसिफिक स्पोर्ट्स गेम की ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, राइट. और मतलब इनिशियली 10 इयर्स तक लाइट रखें, बच्चा गेम को इंजॉय ज़्यादा करे रेदर देन टेकिंग प्रेशर, राइट. जब अगर देखिए ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है बच्चे को 1 साल 2 साल खिलाना है और वो नहीं. आप जब बच्चे को 8-9 साल से प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे तब कहीं जाके 17-18 ईयर्स तक आपको रिजल्ट मिलता है. तो इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस. इट्स नॉट लाइक कि आपने बस हो गया एक महीना हमने बहुत आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. पेरेंट्स शुड नॉट बी एग्जॉस्टेड लाइक कि हम इन्वेस्ट करते ही जा रहे हैं, हमें इतना इन्वेस्ट करना है इतना नहीं. नहीं, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस. बच्चे को एक फिजिकल एजुकेशन की तरफ आप इलिट्रेट कर रहे हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल उसको दे रहे हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका आपका सपोर्ट उसको कॉन्टिन्यूसली मिलता रहे. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऑप्टिमल ट्रेनिंग बच्चे को दें, राइट. ऑप्टिमल ट्रेनिंग में देखिए किसी का एक का रोल नहीं है कि पेरेंट्स सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं या पेरेंट्स सारा एफर्ट लगा रहे हैं, सिर्फ एक कोच लगा रहे हैं. नहीं, इससे कंप्लीट अ टीम वर्क. टीम वर्क इंक्लूड्स एक अच्छा डाइटिशियन उनको मिलना चाहिए, प्लेयर को कब क्या खिलाना चाहिए, कैसे उसकी डाइट, क्या चीज़ उसके अंदर कमी हो रही है, मसल डेंसिटी क्या है, या माइनर चीज़ें जो एक अच्छा डाइटिशियन बता सकता है. सजेस्ट उनकी सजेशन के अंदर ही सारा होना चाहिए. फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, राइट. एंड अभी तो योगा के लिए भी आपको एक प्रोफेशनल योगा ट्रेनर आपको होना चाहिए एक प्लेयर के साथ. तो इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क कि आपको कोच, पेरेंट्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड योगा ट्रेनर और डाइटिशियन, ठीक है, ये सारे मिलके और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट भी होते हैं आजकल जो बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस देते हैं, माइनर चीज़ें इंप्रूव कराते हैं. तो अगर आप इनिशियली ही माइनर चीज़ों पे इंप्रूवमेंट करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स, राइट. लेकिन एक लेवल तक आप लेके जा सकते हैं. अगर आप खुद से ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोच खुद ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए बेस्ट करने का, बच्चा भी फुल एफर्ट लगा रहा है, तो एक लेवल तक आप लेके जा सकते हैं. बट कहीं ना कहीं उनको अगर वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो वो गैप दिखेगा. तो आई सजेस्ट कि सब के गैप के सब की एक इट शुड बी अ टीम वर्क डालते हैं. और बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करना इज रॉन्ग, राइट. उससे ज़्यादा एक पीक ट्रेनर या जो भी बच्चा है वो अभी जस्ट गेम समझ रहा है. गेम को इंजॉय करना इम्पॉर्टेंट है, गेम को समझना इम्पॉर्टेंट है. और आप उससे पीक लेवल पीक एथलीट जैसे से उसको कंपेयर नहीं कर सकते, राइट. कि आप बच्चे को ज्वाइन कराएं 12-13 साल में और आप उसका कंपेयर करें ओलंपियंस के साथ, तो इट्स दैट्स नॉट फेयर, ओके. तो वो बच्चे उस तरीके तक उस वहाँ तक पहुँच सकते हैं लेकिन इट विल टेक टाइम और डेडिकेशन, राइट. तो आई सजेस्ट ऑल पेरेंट्स कोचेस कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चे बहुत आगे बढ़ें, ओलंपिक्स तक जाएं, हमारे देश का नाम रोशन करें. लेकिन उन सभी के लिए थोड़ा पेशेंस, थोड़ी डेडिकेशन और टीम वर्क हमें रिक्वायर्ड है.
टू गेट अ बेटर रिजल्ट्स. ये जो मैंने डिस्कशन किया ये अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग था. अगर आप उसको कोई भी पॉइंट्स लगता है कि आई मिस सम पॉइंट और आप उसमें कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर जो भी आपके फीडबैक हैं, प्लीज़ गिव मी फीडबैक. एंड सो और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी आपके लिए कुछ आपसे कुछ डिस्कस करूँ तो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू. थैंक यू सो मच गाइस.